गठबंधन हो और डेमोक्रेसी जैसे चलती है विनेबलिटी की बात होनी चाहिए कि सीट कौन जीतेगी इस अलायंस के हिसाब से और अगर अलायंस में जो विनेबल्स पार्टी है कांग्रेस पार्टी है और मैं यही मानता हूं कि गठबंधन अगर हो अलायंस हो दिल्ली में आप लोग सब जानते हैं आज अभी मीटिंग्स चल रही हैं और डिसीजन लेना लिया जाएगा बहुत 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 जल्दी लिया जाएगा आज लिया जाएगा या कल तक लिया जाएगा और मैं मैं विनती करता हूँ मेरी बात ऑलरेडी हो रही है लेकिन मैं विनती करता चाहता हूँ हमारे हाईकमान को राहुल गांधी जी से मिसेस सोनिया गांधी जी से खरगे जी से वेणुगोपाल जी से हमारे मुकुल वासनिक जी से शक्ति भाई से उषा नायडू जी से कि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को भरूच डिस्ट्रिक्ट से लड़ना तैयार जाए पूरा फैसला हुआ नहीं है तो हम वेट करते हैं और इंतजार करते हैं पर जब ये खबर कल आई तो नाराज़गी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को लोग कहते हैं अहमद पटेल का परिवार तो अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैजल है पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है ख़ास करके भरूच में तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज़ हुए थे लोग और बहुत ही डीमोरलाइज थे पर बातचीत अभी चल रही है और अभी कोई पूरा फैसला निर्णय नहीं हुआ है तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं और हमारे को पूरी अपेक्षा है हाईकमांड से कांग्रेस पार्टी से आज हमने सुना है कि हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी उन्होंने भी आपत्ति जताई है ये सीट को कांग्रेस पार्टी से हटा के आम आदमी पार्टी को दे देने पर तो हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के साथ ही रहेगी